केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि गुजरात के कच्छ जिले की ओर चक्रवात बिपरजॉय के तेजी से बढ़ने के साथ आश्रय गृहों में राशन और भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जबकि चिकित्सा और स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए एक कार्य योजना बनाई जा रही है। अरेबियन सी में बिपरजॉय साइक्लोन डेवलप हुआ है, वो अरेबियन सी में नॉर्थ में आगे बढ़ रहा है और 15 तारीख तक वो जखो और करांची के बीच में लैंड को हिट करने की संभावना है। उसको देखते हुए उसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट कच्छ में होनी है। उसको देखते हुए वहीवटी तंत्र की ओर से कोऑर्डिनेशन वे में सारा प्रयास किया गया है। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस साइक्लोन की कम से कम इफेक्ट हो, एनिमल और ह्यूमन कैजुअलिटी कम हो, उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन लिया गया है। 0 से 10 किलोमीटर के कोस्टल लाइन एरिया में लोगों को इवैक्यूएशन किया जा रहा है। 0 से 5 किलोमीटर कोस्टल लाइन में बसने वाले लोगों को 100% इवैक्यूएट करके उसको सेल्टर होम में लिया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट कंडला पोर्ट कच्छ में है, सारा कंडला पोर्ट में चलने वाली सारी गतिविधि को रोक दिया गया है। कंडला पोर्ट में वहाँ के लेबर को इवैक्यूएट किया गया है। कंडला पोर्ट में और सौराष्ट्र के कोस्टल लाइन में सभी शिप को एंकर कर दिया है ताकि साइक्लोन की झपट में ना आ जाए। सारी व्यवस्था और सारा मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो प्रयास हो रहा है उसको देखते हुए हम कैजुअलिटी, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। जब डिजास्टर होता है तब सेंट्रल और स्टेट अलग नहीं होते हैं, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, परस्पर कोऑर्डिनेशन वे में काम करते हैं। भारत सरकार की ओर से भारत सरकार की सारी एजेंसी यानी कि मिलिट्री फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की कई इकाइयां और एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब लोग कोऑर्डिनेशन में लगे हैं ताकि हम साइक्लोन के सामने अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर पाए।